में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक चॉपर की बात करना चाहती हूँ, मैं उसका रिव्यू करना चाहती हूँ। आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, जो हाउस वर्किंग होती हैं और जो बाहर जॉब करने जाती हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। टाइम बहुत टाइम बच जाएगा आपका। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक मिनट। हाँ जी, तो ये देखिए, ये है, तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है करनी स्विफ्ट चॉपर, तो ये मैंने यहाँ से मंगाया था। ये देखो, आपको दिख रहा है, आपको ये बनता दिख रहा है। और ये देखो, यहाँ पे वेजिटेबल और ये ड्राई फ्रूट्स, चिली, ओनियन और लहसुन और जिंजर, ये सब आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं और बिना बिजली के टाइम बचा के एकदम। तो मैं आपको इस बताऊँगी कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ दिखने में तो ऐसा लगता है, और मैं इसे कम से कम नहीं तो 2 हफ्ते हो गए मुझे ये मंगाए हुए, और मैं इसे 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली रोज़ में यूज़ कर रही हूँ उसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिव्यू। ये कुछ ऐसे करके है, ऐसे ऐसे करके आप खींचेंगे ना, ऐसे करके तो ऐसे करके चले गए। और ये देखिए, ये इसका ढक्कन है, ये इसकी प्लेट है, ये बहुत शार्प प्लेट है आपकी। ये मैं धो के लाई थी, ये ना मतलब यूज़ करके हमने रख रखा था, मैंने धो के ही फिर हम इसमें काटूंगी यूज़ करूंगी, तो इसलिए मैंने दोबारा से धो दिया ऐसे। ये मैं पानी है, मैं किचन में ट्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा बेबी सो रहा है, इसीलिए। ये देखिए, मैं इसमें आपको टमाटर काट के और ग्राइंड करके दिखाऊंगी आपको, चॉप करके कर। ये देखो, ये मैंने प्लेट लगा दिया है। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, बड़े बड़े हैं। अब मैं ये 3 टमाटर एक साथ डालूंगी इसमें। ये देखो, बड़े बड़े पीस डाल दिए मैंने। मेरा बेटा भी जग गया। ये देखिए, और बहुत बेस्ट है ये हमारे लिए, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत टाइम बचाता है ये। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने इसमें 3 टमाटर काट के डाल दिए हैं। ये देखिए, अब मैं आपको इसे ग्राइंड करके दिखाऊंगी। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये देखिए, मैंने इसे 20 बार करा है, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इसे हम सैंडविच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम मोटे मोटे पीस काट के डाल देते हैं दाल में, तो वो बच्चों को पसंद नहीं आता, तो हम इसे ऐसे करके हम सब्जियों में डाल सकते हैं काट के, ठीक है। मैंने इसे, मैं आपको दिखाऊंगी प्याज टमाटर काट के, प्याज मेरा है प्याज। तो ये मैंने कम से कम 6-7 प्याज लिए हैं। मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है मुझे इस चीज़ वीडियो बनाने में, और मेरा छोटा बेटा ना वो जग गया है। ये मैं बड़े बड़े पीस काट के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, मैंने प्याज काट लिए, कम से कम मैंने प्याज लिए 7-8 पीस। और आप ये सोच रहे हो मैंने धो के छील के सब काम करके मैं बैठी हूँ, आपको बस मैं दिखा रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका भी और मेरा भी, ठीक है। ये मैंने इसमें अदरक डाल दिया, और ये 2 हरी मिर्च लिए, ये मैंने इसमें डाल के, और मैं आपको दिखाती हूँ ये, ठीक है। चॉप करके मैंने ढक्कन लगा दिया। ये देखिए, बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत यूज़फुल है, मतलब ये मैंने 220 रुपये का मंगाया था। एक मिनट, ये मैंने 220 रुपये का मंगाया था, और ये बहुत अच्छा है, मतलब यूज़फुल है। ऐसे लाइट नहीं आ रही तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, लाइट नहीं आ रही तो बिजली नहीं है बहुत, अगर अर्जेंट काम है तो बेस्ट है। ये तो मैंने कम,
कितना बारीकी से पीस रहा है ये, और बारीक हो जाएगा ये, और बारीक हो जाएगा ये। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जस्ट अमेजिंग, देख सकते हो आप मैंने कितने बड़े बड़े पीस किए थे, और इसके बहुत छोटे छोटे पीस हो गए हैं। जैसे बहुत अच्छा है, मतलब बहुत यूजफुल है। ये देखिए, ये इसका ब्लेड ना ऐसे करके ना निकल भी जाता है। प्लीज़ अगर आपको लेना हो ना तो बहुत अच्छा पीस है ये, आप इसे परचेस कर सकते हैं अमेज़ॉन से। मैंने ये मंगाया गणेश क्विक चॉपर, 220 रुपये का मंगाया था पहले। ये मैंने गणेश चॉपर मंगवाया था गणेश अमेज़ॉन से। आपको अगर बहुत यूज़फुल है, और प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू।